हवा से बात करता हुआ। रेत के सीने को चीरता हुआ, बिजली की रफ्तार से कुछ हिंदुस्तानी सपूतों का एक छोटा सा कारनामा। तारीख के पन्नों में अपनी जगह बनाने, आंखों में एक अजीम मकसद लिए, अरब की जमीन करबला की तरफ रवान। हल मिन नासरिन यंसुरना, नबी मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन ने जब करबला में इंसानियत से यह सवाल किया, है कोई जो मेरी मदद को आए। इतिहास ने देखा कि इंसानियत से किए गए इस सवाल के जवाब में इमाम की मदद के लिए अपने घरों से जो हक परस्त निकले, वो रसूल का कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के साथ साथ कांधे पे जनेऊ डाले, माथे पे तिलक लगाए, कुछ हिंदुस्तानी ब्राह्मण भी थे। ये वही वीर सपूत हैं जो मदद की शक्ल में हिंदू और मुसलमानों के बीच प्रेम की एक सुनहरी इबारत लिखने करबला जा रहे हैं। जालिम बादशाह यजीद अपनी हुकूमत के नशे में चूर होके इंसानियत का चेहरा बिगाड़ देना चाहता था, लेकिन उसे यह पता था कि जब तक नबी मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन जिंदा हैं, तब तक वो अपनी मर्जी की नहीं कर सकता। उसके इसी डर ने इमाम हुसैन को उनके परिवार के साथ करबला में घेर के उनसे अपनी हुकूमत के सामने सर झुकाने को कहा। जियो और जीने दो के जिंदा मिसाल पेश करते हुए इमाम हुसैन ने यजीद के सामने एक पेशकश रखी कि अगर तुमको मुझसे कोई खतरा हो तो मुझे रास्ता दे दो ताकि मैं हिंदुस्तान चला जाऊं। इमाम को दरियाए फरात के किनारे घेर लिया गया, उनके बच्चों और औरतों पर पानी बंद कर दिया गया। यह सब जुल्म यजीद के खत मिलने के बाद इब्ने ज़ियाद ने इमाम हुसैन पे किए। इमाम की तरफ से भी खत लिखे गए। कहते हैं कि लोग मुसीबत में अपनों को याद करते हैं, या फिर मुसीबत में जो साथ दे वही अपना होता। इमाम हुसैन ने अपने बचपन के दोस्त हबीब को खत लिखकर मदद को बुलाया, और दूसरा खत करबला से दूर, बहुत दूर, भारत के एक हिंदू राजा के नाम लिखा गया। इमाम हुसैन के बेटे अली इब्ने हुसैन ने अपने भाई भारत के राजा समुद्रगुप्त के नाम लिखा था यह खत। सुनने में अटपटा लगने वाले इस रिश्ते का इतिहास गवाह है। लगभग 1400 साल पहले की बात है, ईरान के बादशाह जो पारसी मजहब से थे, उनके दो बेटियां थी, मेहरबानो और शहरबानो। मेहरबानों का विवाह भारत के राजा चंद्रगुप्त से हुआ और रानी का नाम मेहरबानों से बदलकर चंद्रलेखा रखा गया। और कुछ वर्षों बाद चंद्रलेखा की छोटी बहन शहरबानों की शादी इमाम हुसैन से हुआ। चंद्रलेखा और चंद्रगुप्त के बेटे समुद्रगुप्त उस समय राजा थे जब उन्हें अपने मौसेरे भाई अली इब्ने हुसैन का पत्र मिला। राजा समुद्रगुप्त ने जल्दी ही वीर सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार करके उसे करबला की तरफ रवाना किया। इन वीर सैनिकों के सरदार का नाम रेहब दत्त था, जो एक मोहयाल ब्राह्मण थे। अफसोस, जब रेहब दत्त अपनी सेना के साथ करबला पहुंचे तो इमाम हुसैन को शहीद किया जा चुका था। यह जान इन ब्राह्मणों का दिल टूट गया और जोश में अपनी तलवारों को अपने गलों पर रख लिया कि जिसकी जान बचाने आए थे जब वही नहीं बचा तो अब हम जी के क्या करेंगे। लेकिन इमाम के एक चाहने वाले अरब के वीर योद्धा जनाबे मुख्तार के मना करने पे इन वीर सैनिकों ने अपनी तलवारों को अपने गलों से हटाया और मुख्तार के साथ मिलके खूने इमाम हुसैन का बदला लेने के मकसद से दुश्मनों से एक यादगार युद्ध किया और उन्हें हिंदुस्तानी तलवार के चौहर दिखाए। इन वीर सैनिकों ने करबला में जहां पड़ाव डाला था उस जगह को हिंदिया कहते हैं, जो चंगा आज भी उसी नाम से मौजूद है। इन ब्राह्मणों में से कुछ करबला में वीर गति को प्राप्त हुए, कुछ वहीं बस गए और कुछ अपने देश भारत चले आए। इतिहास इन वीर ब्राह्मणों को
हुसैनी ब्राह्मण के नाम से जानता हूं। तारीख के पन्नों में दबी हिंदुस्तान और इराक की इस महान कहानी को हमारे लाखों सलाम।